Good morning to all of you. Today we are going to discuss about ethical behavior in marketing, or we can say what are marketing ethics, ethical behavior in marketing, and what are marketing ethics. When we speak about ethic is nothing but the difference between what is good and what is bad. Ethic is nothing but to find out what is right and what is wrong. Ethic is to clearly identify the difference between what is to be done and what is not to be done. क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बीच में का जो डिफरेंस है उसे एथिक कहा जाता है. एंड हम सबको एथिकल बिहेव करना है. मार्केटिंग एथिक समझने से पहले ये जरूरी होता है कि हम ये समझे कि एथिक क्या होता है. क्योंकि जब तक तुम्हें एथिक क्या होता है वो नहीं समझेगा तब तक आपको मार्केटिंग एथिक नहीं समझेगा. स्टूडेंट्स, व्हेन वी स्पीक्स अबाउट ethics, my question to you people is that ethic आपके अंदर है या नहीं, आप कैसे टेस्ट करोगे? Do you have ethic in your behavior or not? How you will test? That is a question. आप ethically right हो, आप ethically wrong हो, आपका एथिक क्या कहता है, हाउ योर एथिक वर्क्स एज अ पर्सन, आर यू फॉलोइंग सम एथिकल स्टैंडर्ड एज अ पर्सन, आर यू बिहेविंग इन अ वे दैट एथिक सपोर्ट्स यू. एथिक इज अ रूल, एथिक इज अ प्रोसीजर, एथिक इज अ स्टैंडर्ड, एथिक इज अ सिचुएशन, ethic is a procedure. What is right and what is wrong, उसके बीच का फर्क अगर कोई बताता है तो वो है ethics. तो दोस्तों, कंपनी बहुत बड़ा बिजनेस करती है लेकिन ये बड़ा बिजनेस करने के टाइम पे वो भूल जाती है कि क्या हम लोगों ने हमारे कस्टमर को सही तरीके से ट्रीटमेंट दिया है, क्या हमने हमारे एम्प्लॉयज को सही तरीके से ट्रीटमेंट दिया है, क्या हमने हमारे शेयर होल्डर को सही तरीके से ट्रीटमेंट दिया है, क्या हम हमारे बैंक जिससे हमने लोन लिया है उन लोगों को टाइम पे इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, क्या हम लोग हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों ने हमारे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किया उनको हम टाइम पे रिटर्न दे रहे हैं, whether we are giving everything to them or not, whether we are dealing in a fair way with everybody or not. अपने आप को पूछो आप. You have to find out from your own history or your own background कि whether you are ethically right or ethically wrong. आपने देखा होगा बहुत बार एडवर्टाइजिंग करने के चक्कर में कंपनी कुछ भी झूठे क्लेम करती है, कुछ भी झूठे वादे करती है, जो होता नहीं है वो बताती है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, वी आर द नंबर वन कंपनी इन दिस, वी आर द नंबर टू कंपनी इन दिस, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता है, हकीकत में ऐसा नहीं होता है. सो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल यू इज दैट हर एक कंपनी को एथिकली राइट रहना चाहिए. Every company needs to be ethically perfect. The company should not cheat the people. The company should not fool the people. तो आज हम लोग कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं जिसमें हम एथिक का मतलब समझेंगे, एथिक कहाँ पे होता है, एथिक कहाँ पे नहीं होता है वो समझेंगे, अनएथिकल बिहेवियर के बारे में सीखेंगे, कैसे कंपनी अनएथिकल बिहेवियर करती है लोगों के साथ उसके भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे. तो आपका आज का टॉपिक है एथिक्स इन मार्केटिंग.
मार्केटिंग करते वक्त एथिक का कितना महत्व है, एथिक क्यों जरूरी है, एथिक से क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। सो टू स्टार्ट विद द स्लाइड्स, द डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन गिवन बाय जेनिफर लोम्बार्डो। अब जरा एक एक्सप्लेनेशन देखना। देर आर पीपल हु आर वेटिंग आउटसाइड सर्टेन ऑफिस और प्रीमाइजेस और समथिंग लाइक दैट। कितने घंटे का वेटिंग है? 3 आवर्स। अब ये कितना सही है कि लोगों को 3-3 घंटे तक एक ऑफिस में रुका के रख के वेट कराना? आप जरा सोचो, अगर यहाँ पे 10 लोग लाइन में खड़े हैं, 10 लोगों को अगर आप 3-3 घंटा इंतजार कराते हो, बराबर है, तो भी 30 घंटा 30 आवर्स उन लोगों को वहां पे वेट करना है। यानी कि 30 आवर्स का आप लोगों ने नुकसान कराया है लोगों का, विच इज वेरी 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 अनएथिकल, विच इज वेरी वेरी अनएथिकल। तो हम लोग आगे देखेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है, इंटरव्यू को बुलाया जाता है 12 बजे, इंटरव्यू का नंबर लगता है 3 बजे 4 बजे। क्यों? आप एज अ कंपनी, आपको पता होना चाहिए कि जब 40 कैंडिडेट आने वाले, तो पहला कैंडिडेट को 12 बजे बुलाया है, तो जो 40वां कैंडिडेट है उसको 12 बजे क्यों बुलाने का, जब आपको पता है कि 12 बजे चालू करने के बाद हम लोग 40th कैंडिडेट 40वां कैंडिडेट पर पहुँचेंगे तब तक शाम को 5 बज जाने वाले, फिर भी तुम उसको अगर 12 बजे बुला के रखते हो तो देर इज नो पॉइंट। यानी कि आप अनएथिकल बात कर रहे हो, यू आर स्पीकिंग अनएथिकली, साबित हो रहा है कि यू आर बिहेविंग अनएथिकली, विच इज नॉट एक्सेप्टेड। इसीलिए कहा जाता है द मॉरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज दैट जनरली गवर्न्स, दैट जनरली गवर्न एन इंडिविजुअल और ग्रुप। जो इंडिविजुअल और ग्रुप को गवर्न करता है, गवर्न करता है यानी चलाता है, रूल्स दिखाता है, सिस्टम देता है, प्रोसीजर बताता है, वो सब द मॉरल प्रिंसिपल और वैल्यूज दैट जनरली गवर्न एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप इज नोन एज एथिक, इज नोन एज एथिक। आगे बढ़ते हैं। You can see the another meaning associated with the ethic. It is a standard of behavior. It is a standard of behavior. What do you mean by standard of behavior? Standard means level. Of behavior means tarika, behave karne ka. If स्टैंडर्ड डिसाइड करना चाहिए हमें कि हमें लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कौन से स्टैंडर्ड से बिहेव करना है, कौन से सिस्टम से बिहेव करना है, कौन से लेवल से बिहेव करना है। एक तरीका होता है, फॉर एग्जांपल, आप जब भी कोई नए बंदे को मिलते हो, नए पर्सन को मिलते हो, या तो फैमिली में किसी मेंबर को मिलते हो, तो आपका एक तरीका होता है उनसे बात करने का। हेलो अंकल, हाउ आर यू। कोई कल कजिन मिल गया था, हेलो हाउ आर यू। कोई आंटी तो हेलो आंटी, हाउ आर यू। यू नो, थोड़ा एक स्टैंडर्ड होता है, हम सबका एक स्टैंडर्ड है, और हमारा स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करेगा? हमारा बिहेवियर। जैसा हमारा बिहेवियर वैसा हमारा स्टैंडर्ड। अगर हमारा बिहेवियर गलत तो समझ जाना हमारा स्टैंडर्ड गलत, और ये आप गलत नहीं बोल सकते, स्टैंडर्ड कम है। सो ऑलवेज कीप योर स्टैंडर्ड हाई। आप लोग बोलेंगे, बहुत लोगों को मैंने सुना है बोलते हुए, सर मैं तो जैसे के साथ तैसा बिहेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो कर सकता हूँ, बट इतना तो जरा सोच कि वो वैसा है, तू वैसा नहीं है।
वो जो कर रहा है वही तो करेगा, तो तेरे में और उसमें कोई भी डिफरेंस ही रहा नहीं। मीन्स यू बोथ आर सेम, यू देर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज स्टैंडर्ड एंड योर स्टैंडर्ड। इट मीन्स इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, एंड एथिक इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। दोस्तों आप लोग को ऐसा लगता रहेगा इतना क्या डिटेल में एथिक को पढ़ना है, लेकिन एथिक ही तुम्हारा बिहेवियर, एथिक ही तुम्हारा कैरेक्टर, एथिक ही तुम्हारा पर्सनालिटी बनाते। हाउ बेटर यू आर इन अ गिवन सिचुएशन, हाउ मच परफेक्ट यू आर इन अ गिवन सिचुएशन, हाउ मच क्लियर यू आर इन अ गिवन सिचुएशन, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट यू नीड टू फोकस अपॉन। सो ethic is nothing but a standard of behavior which you need to follow. आपको अगर जानना है कि आपके अंदर ethic जिंदा है या नहीं है, अगर आपको जानना है ethic आपके अंदर जिंदा है या नहीं, हम छोटा सा एक example मैं आपको देना चाहूँगा। दोस्तों आप ट्रेन में दरवाजे के पास खड़े हो, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है आपकी, उस तरफ प्लेटफॉर्म है, आप इस तरफ डोर के पास खड़े हो, देख सकते हो सामने दूसरा प्लेटफॉर्म उस तरफ है, आपके और वो दूसरे प्लेटफॉर्म के बीच में रेलवे ट्रैक है। फिर से कहते हैं आप एक ट्रेन में खड़े हो, दरवाजे के पास, उस तरफ के दरवाजे पे प्लेटफॉर्म आया है, इस तरफ के दरवाजे पे तू खड़ा है जहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन तू जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे सामने वाला प्लेटफॉर्म दिख रहा है, लेकिन तेरे और उस प्लेटफॉर्म के बीच में एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है। तेरा एक एनिमी, दुश्मन, जिसको जिंदगी में सबसे ज्यादा तू नफरत करता है कि ये आदमी या ये पर्सन या ये भाई या बहन जो है उसके साथ मैं जिंदगी में कभी समझौता नहीं करूँगा, उससे कभी जिंदगी में बात भी नहीं करूँगा, ऐसा तेरा उसके साथ का रिलेशन खराब है। तू ट्रेन में खड़ा है, एक बंदा जो तेरा दुश्मन है, तू उस दरवाजे पे खड़ा है, वहां से देख रहा है कि वो जो तेरा दुश्मन है वो रेलवे ट्रैक से किधर तो चल के आ रहा है और कोशिश कर रहा है कि देख रहा है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ने के लिए अच्छी जगह मिले तो मैं चढ़ जाऊं, पता नहीं कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है, चल रहा है रेलवे ट्रैक पे, तेरा ध्यान गया उसको देख के, तुझे बहुत गुस्सा भी आया, तुझे दो चार तेरे मन में उसको गाली भी दे दिया, लेकिन तेरा ध्यान तुरंत वो ट्रैक के ऊपर पीछे की तरफ से आने वाली ट्रेन के ऊपर गया, तेरा ध्यान गया। तेरा जो दुश्मन है उसका ध्यान नहीं है, वो अपने मूड में चले जा रहा है, उसको पता नहीं कि पीछे से ट्रेन आ रही है। तूने ट्रेन देखी उसको देखी, ट्रेन देखी उसको देखी, फासला कम होते जा रहा था, फासला और कम होते जा रहा था, फासला और कम होते जा रहा था, दुश्मन है तेरा, ट्रेन देखा तूने, एकदम ही ऐसा लग रहा है कि अभी ये मर गया, अगर इसको मैंने नहीं बोला तो आने वाले 5 सेकंड में उसका मृत्यु निश्चित है। तेरे मुंह से अंदर से एक आवाज निकली, ए भाई हट जा, तुझे ट्रेन आ रही है, जल्दी हट, और उसका ध्यान तेरे पे गया। एक दो सेकंड के लिए तो वो भी कंफ्यूज होता है, ये मेरा दुश्मन, तेरा तू उसका दुश्मन और वो तेरा दुश्मन, जब तूने दुश्मन नहीं किया तो दुश्मन उसने भी तो किया रहेगा ना, और तूने चिल्लाया उसको, ये भाई हट जरा नहीं तो पीछे से ट्रेन आ जाएगी, जल्दी हट ट्रेन आ रही है, और वो पर्सन नहीं निचले तेरे सामने 2 सेकंड देख के पहले तो उसको भी गुस्सा आया, तेरे को देखे दुश्मन, लेकिन उसने सुना कि मेरे को ट्रेन आ रही है, मेरे को बोल रहे, तुरंत उसने अपने आप को मूव कर दिया जैसे तैसे करके प्लेटफॉर्म के ऊपर, ट्रैक के ऊपर से हट गया और वहां से ट्रेन निकल पड़ी, उसकी जान बच गई। दोस्त दुश्मन की भी जान बचाई तूने। अगर तेरे अंदर
या तो उस समय अगर तू ट्रेन के अंदर खड़ा होता और तेरा दुश्मन उधर से निकलता और तेरे अंदर से आवाज़ निकलती कि भाई हट जा यहाँ से, फटाफट से मुंह कर दे नहीं तो मर जाएगा, अगर तेरे अंदर से आवाज़ निकली तो समझ जाना कि तेरे अंदर तेरा एथिक जिंदा है, तेरा एथिक मरा नहीं है। और अगर तेरा ऐसा मन हो रहा है मरने दे मुझे क्या है, तो समझ जाना तेरे अंदर का एथिक मर गया है। ये मैं तुम लोगों को टेस्ट कर रहा हूँ, तेरे मन में क्या सवाल आता है, क्या जवाब आता है, इसके बारे में वो डिसाइड करेगा कि तू एथिकली है, एथिक तेरे में है, तेरे में मॉरल वैल्यूज है, तेरे में ह्यूमैनिटी है, तेरी पर्सनालिटी है, यू आर सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव है और नहीं है। ये मैंने टेस्ट तेरे को दिया, अभी तू सोच तू क्या करेगा, तेरे अंदर से आवाज निकलेगी या नहीं निकलेगी। अगर आवाज निकली तो समझ जाना तेरे अंदर अभी भी तेरा एथिक जिंदा है, वरना समझ जाना कि भैया मैं तो इंसानियत को बहुत पीछे छोड़ के आगे हैवानियत की तरफ निकल पड़ा हूँ, शैतानियत की तरफ निकल पड़ा हूँ। पता नहीं शैतान तो हूँ लेकिन कितना बड़ा शैतान बनूंगा, कितना बड़ा हैवान बनूंगा, कितना बड़ा राक्षस बनूंगा। समझने की कोशिश करो, आई होप यू अंडरस्टैंड द एग्जांपल, अंडरस्टूड यस और नो, तो मैं आगे बढ़ू। बोलो फटाफट, अगर ये एग्जांपल समझ में आया रहेगा तो यस और नो बोलो, तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ ना। साइली, आकांक्षा, अर्जुन, शिफा, स्वप्नाली, मनीष, निकिता, शेला, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हिना, सोनी, थैंक यू। दोस्तों आजकल की कंपनियां, थोड़े दिनों के पहले ऐसा पाया गया, आपने देखा रहेगा, मैगी, मैगी नूडल्स, उसके अंदर एक मेटल पाया गया जिसका नाम था लीड, धातु मेटल, उसको कंज्यूम करने से तुम्हारे बॉडी के अंदर लीड नाम का जो एलिमेंट है वो जा रहा है। लेबोरेटरी में टेस्ट कराने से प्रूफ हुआ भी है। लेकिन आज जरा सोचो, मैगी कंज्यूम करने वाले कितने लोग लाखों करोड़ों की संख्या में, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख ये है कि इसको कंज्यूम करने वाले जो ग्रुप है वो छोटे बच्चे हैं। ये पॉपुलर है अमंग्स द एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, और अब तो आई कैन से 20, ये ए से एज ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है। तो क्या अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी ऐसे धातुओं को मिक्स करके भेजेगा? अभी मेरे को एक बताओ, कहां गया एथिक, कहां गया एथिक? आज सुबह मुझे एक वीडियो आया, यू नो पान मसाला विमल, वो कैसे बनता है उसका प्लांट देखा, बोतल बोतल ग्लास के बोतल, फिर वो अल्कोहल कह सकते हैं या कोई भी कांच की बोतल, कांच की बोतल को एकदम क्रश किया जाता है, क्रश ऐसे मशीन्स में, और क्रश करके जो उसका बारीक पाउडर तैयार होता है उसके अंदर तमे को ये वो सब ऐड करके उसको कुछ तो हाई मात्रा में एकदम हैवी टेम्परेचर में उसको गरम गरम किया जाता है। इतना गरम, इतना टेम्परेचर है कि डोंट आस्क, टू मच, एकदम ऐसा वो होना होता है, एकदम बॉइल, और भी हाई टेम्परेचर पे, उसको हाई टेम्परेचर पे बॉइल करने से उसके ऐसे पत्थर जैसे टुकड़े तैयार होते हैं, वो सारे मिश्रण के, और वो पत्थर जैसे टुकड़ों को बारीक बारीक तोड़ के जो बनता है वो कहीं ना कहीं ये गुटका पाउडर ये सारी चीजें आती है। और यहाँ पे लोग इतना डबल ट्रिपल पैसा देके भी वो खाते हैं,
मुझे खरे कहां गया एथिक, मेरा डायरेक्ट सवाल है कहां गया एथिक। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कहां गया एथिक बोलो। इट इज डेंजरस, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट राइट। ये तो मैंने दो एग्जांपल दिए, और एक एग्जांपल देता हूं। यू नो किंग फिशर सोडा, किंग फिशर मिनरल वाटर, किंग फिशर सोडा, किंग फिशर मिनरल वाटर, ध्यान से सुनना। सबको पता है किंग फिशर इज फेमस फॉर वॉट, अल्कोहल। किंग फिशर इज फेमस फॉर अल्कोहल, एंड फिर भी किंग फिशर ने क्या किया है, मिनरल वाटर और सोडा प्रोडक्ट बनाने का शुरू कर दिया। अब टीवी में ऐड आती है मिनरल वाटर और सोडा की, लेकिन असलियत में उसको मिनरल वाटर और सोडा बेचने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट है अल्कोहल बेचने। जस्ट इमेजिन, दूसरा प्रोडक्ट वही नाम का बना के अपनी प्रोडक्ट जो ब्रांड प्रोडक्ट है उसको चलाने की कोशिश करना, उसको चलाने की कोशिश करना, समझ में आ रहा है आपको? दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ अ चीटिंग, जिसको सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है, सरोगेट। आगे आगे देखिए क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं दोस्तों, आपको समझेगा वास्तविकता में कि हम लोग जो हकीकत की बात करते हैं वो कितना दूर है। यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि माइन इज राइट, मैं सही हूँ, दूसरा बोलता है नो यू आर मिस्टेकन, तुझे ऐसा लगता है कि तू राइट है लेकिन तू राइट नहीं है, मैं राइट हूँ। कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन, मैं राइट तू राइट, तू राइट मैं राइट, माइन इज राइट यू आर मिस्टेकन। एक बंदे को लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है, एक बंदे को लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है। अब दोनों को सही गलत क्या है, और जब तक लोग आपस में डिस्कस नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा, तब तक नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखो बेचारे लोग कह रहे हैं जब तीन तीन घंटे का वेटिंग आवर है, डोंट डू इट। क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा, डोंट डू इट, अवॉइड डूइंग दिस थिंग्स, ये गलत है, ऐसा मत करो, एथिकली बिहेव करो। इसीलिए अगर आपको एज अ कंपनी काम करते हो, आपको अच्छी कंपनी चलानी है, अगर आपको अच्छी कंपनी चलानी है तो मैं अभी से कह के रखता हूँ आपको तीन रूल मान के तीन रूल मान के चलने पड़ेंगे। एंड दैट थ्री रूल इज, ध्यान से सुनना, पहला है एम्प्लॉय के अधिकार को बचा के रखूंगा, मेरे एम्प्लॉय को कभी तकलीफ नहीं होगी। दूसरा रूल, मेरे एनवायरनमेंट को कभी डैमेज नहीं करूँगा, मेरे एनवायरनमेंट को कभी डैमेज नहीं करूँगा। एंड तीसरा रूल, मेरे कस्टमर को कभी झूठा वादा नहीं करूँगा, मेरे एम्प्लॉय को कभी परेशान नहीं करूँगा, मेरे कस्टमर को कभी गलत प्रोडक्ट नहीं बेचूँगा, और जिस एनवायरनमेंट में मुझे बिजनेस करने की परमिशन मिली है उस एनवायरनमेंट को कभी नुकसान नहीं करूँगा। इसीलिए कहा जाता है एथिक फॉलो करना है तो तीन रूल बराबर समझ के लेने के, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, आगे देखो प्रोटेक्ट द एम्प्लॉय राइट्स, एम्प्लॉय के अधिकार को बचा के रखना, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को सुधारने का वादा करना कि एनवायरनमेंट को कभी नुकसान नहीं करेगी। इसमें बहुत बड़ा स्कैम जो है वो बाहर आया था, स्केम लाइक कोका कोला कंपनी, कोका कोला कंपनी का जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से जो ड्रेनेज यानी कि वेस्ट बाहर जाता है, वेस्ट बाहर जाने के बाद वो कहाँ जाके मिलता है, किसको जाते मिलता है, उसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत सारी नदियाँ
वहाँ पे जो एरिया में रहते हैं वहाँ का पानी का कलर ही चेंज हो गया है। दैट इज वेरी डेंजरस, नॉट गुड, नॉट प्रॉपर, सही नहीं है ये, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में है। इट शुड बी अवॉइडेड, इट शुड बी स्टॉप्ड, इट शुड बी प्रॉपरली डिस्कस एंड रिजोल्व्ड रादर देन मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। सो अनरिटन रूल्स, प्रोटेक्ट द एम्प्लॉई, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रोटेक्ट द कस्टमर, प्रोटेक्ट द कस्टमर, हमें हमारे लोगों का ध्यान देना है। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये तीन चीज के बाद बिजनेस एथिक की अगर मैं बात करूं, बिजनेस एथिक डिटरमाइंस कंपनीज एवरी डे कंडक्ट, कंपनीज एवरी डे कंडक्ट, कंपनी का रोज का व्यवहार, कंपनी का रोज का बिहेवियर, कंपनी रोज कैसे बिहेव करने वाली है, कंपनी रोज कैसे काम करने वाली है, उसके बारे में जो कंपनी सोचती है कि मुझे कैसे सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, मुझे कौन से सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, दैट इज व्हाट कंपनी का एवरी डे का कंडक्ट, एवरी डे का कंडक्ट का मतलब होता है कंपनी का रोज बरोज का लाइफ कैसा है, क्या है, वो उसके बारे में हमें यहाँ पे सोचना है। इन कम्स रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द एम्प्लॉई, रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द एम्प्लॉई एक्ट इन अ बिजनेस वर्क, हाउ एम्प्लॉई कैसा बिहेव करते हैं इस बिजनेस वर्ल्ड में हमारे एम्प्लॉई, दैट इज अगेन अ चैलेंजिंग थिंग, आर वी बिहेविंग प्रॉपरली, आर वी बिहेविंग अनप्रॉपरली, ध्यान से, हम सब कानून से बंधे हुए हैं लेकिन एथिक और कानून को हम एक नहीं कह सकते, जैसे कि आप, आपको एक कोई जगह पे चार पांच लोगों ने रात के समय पे घेर लिया और तुम्हारे ऊपर उन्होंने प्रहार करना शुरू किया, मारना शुरू किया, अभी क्या अपने डिफेंड के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आप हाथ उठाओगे कि नहीं उसके, या फिर सिर्फ मार खा लोगे? अब कायदा कानून क्या कहता है, यू किसी के ऊपर हाथ उठाना गलत है, लेकिन तब जब अगर तुम नहीं हाथ उठाएगा तो तुम खत्म हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में तू इंतजार कर नहीं सकता है, कायदा कानून नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि सामने वाला ऑलरेडी कायदा छोड़ चुका है, तोड़ चुका है, मोड़ चुका है, फोड़ चुका है, तो तू कौन सा कायदा लेके बैठे। सो लॉ किसे कहते हैं, कानून किसे कहते हैं, भाई कितना लीगल है उसका बाउंड्री जो डिसाइड करता है, कितना अंडर द प्रोसीजर, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लीगल अफेयर्स आता है, उसे कहा जाता है लॉ। यू कैन नॉट ब्रेक द लॉ, व्हाट इज लॉ, द लॉ इज रिटन गाइडलाइंस टू व्हाट मस्ट बी फॉलोड इन सोसाइटी।
हमें सोसाइटी में क्या फॉलो करना चाहिए, उसे कहा जाता है कायदा, लॉ। व्हाट वी नीड टू फॉलो इन जनरल इन सोसाइटी इज अ लॉ। डोंट वरी, मैं आपको लॉ नहीं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन लॉ और एथिक में कंफ्यूज भी होना नहीं है। यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज योरसेल्फ बिटवीन लॉ एंड एथिक। नाउ कम्स द मॉरल, मॉरल वैल्यूज, एडुकेशन। आपको याद होगा स्कूल टाइम में, जब आप लोग स्कूल में जाते थे तभी रेगुलर लेक्चर चालू होने के पहले एक वैल्यू एजुकेशन का लेक्चर होता था, जीरो लेक्चर, लेकिन वो मूल्य शिक्षण, जहाँ पे आपको अच्छी अच्छी स्टोरी बताई जाती थी, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताए जाते थे, बड़े लीडर्स के बारे में डिस्कस किया जाता था कि आपका दिन का शुरुआत ऐसी अच्छी अच्छी बातों से हो जो दिन भर पढ़ते समय कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में वो रहे। तो मॉरल, हम सब मॉरली बाउंडेड है, हम सब का अपना अपना कल्चर, हम हमारे कल्चर को फॉलो करते हैं। इंडिया, भारत, इंडिया इज अ लैंड ऑफ कल्चर। भारत एक सांस्कृतिक जगह है, हर एक जिले की भाषा, खाना, पहरवेश सब चेंज होते जाते हैं, और इतना सारा कल्चरल हम हमारा संभाल के हमारा लाइफ को आगे बढ़ते हैं। वो लोग बोलते हैं हमारे में ऐसा होता है, हमारे में ऐसा नहीं होता है, दैट इज व्हाट आवर कल्चर। एंड वो कल्चर हमें सिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है। अभी देखो ना, कुछ कुछ लोगों के अंदर ऐसा कल्चर रहता है कि देवी को भोग चढ़ाने के लिए वो लोग गोट या तो हेन उसको काटते, कुछ देव को भोग चढ़ाने के लिए अल्कोहल का यूज करते, अभी वो उनका कल्चर है, उनका कल्चर। सो अपना अपना कल्चर, अपना अपना वैल्यू डिसाइड करता है कि मैं एथिकली राइट हूँ या रॉन्ग। ये वो होता है मॉरल जो हम बचपन से सीखते आए हैं, बचपन से सीखते आए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, आप लोगों का सबसे पहला स्कूल कोई है तो वो है आपका परिवार। घर के अंदर जितने बड़े हैं वो आप सब आपके पहले टीचर है। कहते ना, सगळ्यात पहला माझे गुरु म्हणजे माझे आई वडील, मेरे माई बाप, मेरे माता पिता, मेरा मेरे अम्मी अब्बू, माय मदर एंड माय फादर आर माय फर्स्ट टीचर। क्योंकि हम उनसे बहुत कुछ सीखे, जब से जन्म हुआ तब से उसने जो बताया वही हमारी दुनिया थी। ये करने का, ये नहीं करने का वो उसने सिखाया। हमारे घर में क्या चलता है क्या नहीं चलता है उसने सिखाया। आपके बड़े भाई बहन आपके पहले टीचर। हम जहाँ जहाँ से सीखते हैं वो हम सबको टीचर कहते हैं। सो दिस इज व्हाट द वैल्यूज, दिस इज व्हाट द मॉरल्स, ये जो हमें बचपन से दिया गया है, जिस पे हम बचपन से काम कर रहे हैं, और हम और भी आगे बढ़ेंगे इसमें, क्योंकि हमें हमारे परिवार पे विश्वास है। यहाँ पे आई हैड गेट द अंडरकॉटिंग, नाउ लॉरेंस कॉलबर्ग ने तीन लेवल के बारे में बात की है प्रोग्रेसिव एथिकल डेवलपमेंट के अंदर। उसमें प्री कंसेप्शन, कंसेप्शन एंड पोस्ट कंसेप्शन। एक क्वेश्चन का जवाब मुझे ध्यान से देने की कोशिश करूं,
determining whether behavior is ethical and what its motivation might be. Determining whether behavior is ethical, चेक करना है हमें कि आपका बिहेवियर एथिकल है, और अगर एथिकल है तो उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है. प्लीज आप अपने आपके बिहेवियर को चेक करो. दिस इज एन असाइनमेंट आई एम गिविंग टू यू. डेली लाइफ में आप सुबह से लेकर रात तक में क्या क्या काम करते हो, उसमें कितना एथिकल है, कितना अनएथिकल है, what is right, what is wrong, what is good, what is bad, थोड़ा चेक करो. मैंने अपने आप को रेटिंग दो कि कितना परसेंट तू, कितना टका तू एथिकल है एंड अनएथिकल है. डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन तेरे अगर ये जितना जल्दी कर दिया, लाइफ में तेरे को आगे बढ़ने का चांस आसान हो गया. बिकॉज यू डेवलप्स अ कॉन्सेप्ट, यू डेवलप्स अ कॉन्सेप्ट, understands the concept, बहुत जरूरी. सो आने वाले सेशन के लिए एकदम तैयार. और मेरे पास 2-3 इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आप लोगों को एथिकल बुरा समझाएंगे. तो ज्वाइन इमीजिएटली, जैसा मैं मीटिंग बंद करूँ इमीजिएटली सेकंड सेशन का लिंक जो अभी भेजा है वापस से मैंने, उसको ज्वाइन करना है. थैंक यू.